हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। इस द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, जो आपको सिचुएशन इस क्वेश्चन में दी गई है, क्या ये मतलब पॉसिबल हो सकती है? इफ सो, अगर है, डिटरमाइन देयर परसेंटेजेस, तो हमें परसेंटेज निकाल के दिखानी है। तो हमें सिचुएशन दी क्या हुई है, पहले वो देख लेते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, मतलब दो फ्रेंड्स की एज का अगर हम सम करते हैं तो कितना आता है, 20 ईयर्स आता है। 4 ईयर्स है गो, 4 साल पहले की बात है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, 4 साल पहले अगर उनकी एज का प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है स्टूडेंट, 48 के इक्वल आता है। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी, तो जो पहला जो आपका फ्रेंड है, क्योंकि दो फ्रेंड्स हैं, हमने एक फ्रेंड की एज, जो पहले वाले फ्रेंड की एज हमने एक्स ले ली, क्योंकि दोनों की एज का सम करके कितना आता है 20, तो दूसरे फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स। मान लीजिए एक की एज अगर 12 है तो दूसरे फ्रेंड की 20 माइनस में 12 करेंगे तो स्टूडेंट कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और दोनों को सम करेंगे तो वापस से कितना आ जाएगा, 20। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक को अगर x ले लिया तो दूसरे की 20 माइनस एक्स ले ली, क्योंकि दोनों का सम करके कितना आता है, 20 आता है। अब स्टूडेंट आगे जो हमारा नेक्स्ट सिचुएशन है कि 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो पहले वाला फ्रेंड है उसकी एज कितनी हो जाएगी, 4 ईयर्स कम हो जाएंगे, यानी कि x माइनस में 4 हो गया। अगर मान लीजिए 12 थी तो 12 माइनस 4 कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, जो मैंने एग्जांपल लिया। तो 4 ईयर्स एगो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, जो सेकंड फ्रेंड है उसकी कितनी हो जाएगी, क्योंकि सेकंड फ्रेंड की एज पहले से कितनी है, 20 माइनस एक्स है, और उस मुझे 4 और कम करने हैं क्योंकि 4 साल पहले की बात हो रही है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो गलती होती है वो क्या होती है कि एक की एज में से तो स्टूडेंट कम कर देते हैं, दूसरे की शायद भूल भी जाते हैं, लेकिन होगा क्या, क्योंकि 4 साल पहले दोनों की ही तो एज 4 ईयर्स अपनी अपनी कम होगी, ऐसा थोड़ी ना एक की कम हो जाएगी और एक की नहीं होगी, सेम रहेगी, नो। तो 20 माइनस एक्स माइनस मैंने क्या कर दिया, 4। अब 20 माइनस में 4 करेंगे तो स्टूडेंट कितना बचेगा, 16, और माइनस एक्स मैंने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे, तो ये कितना बचा, 16 माइनस एक्स। तो अपन को 4 ईयर्स एगो वाली एज दोनों मिल चुकी हैं, और अब हमें क्या करके दिखाना है, यहाँ पे इनका प्रोडक्ट करके दिखाना है, जो कि आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको। तो ये स्टूडेंट आपका कितना हो जाता है, एक्स माइनस में 4 और 16 माइनस में एक्स, इन दोनों को ही अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो किसके इक्वल बचता है स्टूडेंट, 48 के। तो अब आप किस तरह से लिखेंगे, x को 16 से किया तो कितना हो जाता है, 16x, x को माइनस x से करते हैं तो माइनस का x स्क्वायर, 16 को 4 से करते हैं तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, माइनस का 64, और प्लस का कितना बचता है, 4x इज इक्वल्स टू 48। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका माइनस का x स्क्वायर, 16x प्लस का 4x, ये कितना बचता है आपका, 20x, और माइनस का कितना है स्टूडेंट, 64 इज इक्वल्स टू 48। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन को या तो सभी को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए या फिर लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। हम क्या करते हैं, सभी को अगर राइट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो एक्स स्क्वायर का साइन आपका हो गया पॉजिटिव, और 20x हो जाएगा आपका नेगेटिव का, और प्लस का हो जाएगा 64, क्योंकि सभी के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और 48 पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये पहले से किसका है, प्लस इज इक्वल्स टू, और राइट साइड और लेफ्ट साइड आपकी इक्वल है, और लेफ्ट साइड अगर जीरो के इक्वल बचती है तो उसे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ से इज इक्वल्स टू 0 डाल देते हैं, और पूरी इक्वेशन को यहाँ पे हमने सोल्व करके अब लिख देना है, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी फॉर्म करके दिखानी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और प्लस अगर इसे करते हैं तो ये स्टूडेंट कितना हो जाता है आपका, 112 के इक्वल ही आ जाता है आपका। अब स्टूडेंट क्योंकि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है और आपसे ये पूछा गया कि क्या ये इक्वेशन जो आपकी सिचुएशन है पॉसिबल है, तो हम सबसे पहले क्या करके दिखाएंगे, हम ये देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उस सिचुएशन में आपकी जो ये होगी, जो ये सिचुएशन होगी, अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो ये सिचुएशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स देखते हैं अपना, जो कि आपने सबसे पहले क्या लिखना होता है, डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर यहाँ से डिसाइड हो जाती है कि रूट्स किस तरह के एग्जिस्ट करेंगे। तो b की वैल्यू स्टूडेंट क्योंकि आपकी माइनस 20 है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जर्नल फॉर्म के अंदर आपके एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट a, x का कोफिशेंट b, और c आपकी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। ये आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में चेक करके देख सकते हैं, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 112। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं सबको। ये आ गया आपका 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर 400, और ये कितना आ जाता है यहाँ से, 448। अब ये आपका आ जाता है स्टूडेंट माइनस का 48 लेस देन 0। ये क्वांटिटी किस तरह की आ गई, नेगेटिव क्वांटिटी है, तो यहाँ से क्या आएगा, नो रियल रूट, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये क्वेश्चन अब आगे सोल नहीं होगा, क्योंकि रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते। रूट्स रियल होते तब हम इसके रूट्स निकाल के दिखाते और आपको अपने फ्रेंड्स की जो एजेस मिल जाती। इसका मतलब कोई रियल रूट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, कोई रियल रूट नहीं है,
इसका मतलब ये जो सिचुएशन आपको दी हुई है ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह की सिचुएशन जो उन्होंने अराइज करके यहाँ पे लिखी है कि जो भी मतलब इन्होंने दो सिचुएशंस अपनी दी थी ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि रूट्स किस तरह के निकले हैं, रियल नहीं है। तो आप इसका आंसर क्या देंगे? नो, ये सिचुएशन आपकी यहाँ से पॉसिबल नहीं है, आप यहाँ से प्रेजेंट एजेस नहीं निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट सिर्फ आपको इसमें इतना ही आंसर देना है, अगर आपके रूट्स एग्जिस्ट कर जाते रियल या डिस्टिंक्ट एग्जिस्ट करते, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती, डी की वैल्यू जीरो के इक्वल होती तो क्या होते, रूट्स दोनों इक्वल आते। अब यहाँ पे लेस देन जीरो है, इसका मतलब ये सिचुएशन यहाँ से पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और होता है, आने वाली वीडियोज़ में हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।